हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, टाइगर नंबर्स इंडिया में बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं। टोटल आज के टाइम में दुनिया की जो टाइगर की आबादी है उसका 70% हिस्सा इंडिया में है, जो बहुत बड़ी बात है। दिस इज क्वाइट कमेंडेबल। डिस्कस करेंगे ये कैसे हो पाया, बाकी कंट्रीज़ के कंपेरिजन में इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी है। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, UPSC 2020 की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com से, और यू कैन कॉल दिस नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। UPSC परस्पेक्टिव से देखिए, टाइगर बीइंग द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल एनिमल है, तो ऑलमोस्ट हर दूसरे साल टाइगर से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स में आ ही जाता है। ये आपके सामने क्वेश्चन है UPSC प्रीलिम्स 2017 का। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली जो टर्म है एम स्ट्राइप्स, ये काफी हद तक न्यूज में थी, बताओ ये किस कंटेक्स्ट में न्यूज में थी। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स। और जो ये एम स्ट्राइप्स इनिशिएटिव है, ये शुरू किया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। नाउ ये मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी जानकारी है 2017 में इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में आई थी, और इसी जानकारी पर बेस्ड 2017 के UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया। तो इसलिए यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। कभी भी टाइगर से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होती है उससे क्वेश्चन आ सकता है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट है, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि द रिजल्ट ऑफ द जस्ट डिक्लेयर्ड टाइगर सेंसस वुड मेक एवरी इंडियन एवरी नेचर लवर हैप्पी। रिसेंटली टाइगर सेंसस के नंबर आए हैं सामने। आगे ये PM कहते हैं कि 9 साल पहले इट वॉज डिसाइडेड इन सेंट पीटर्सबर्ग दैट द टारगेट ऑफ डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन वुड बी 2022। इंडिया कंप्लीटेड दिस टारगेट 4 years early। तो यहाँ पे मोदी जी ये कह रहे हैं कि आज से करीब 9 साल पहले सेंट पीटर्सबर्ग में सब कंट्रीज ने, जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन है, उन्होंने वादा किया था कि हम अपनी टाइगर पॉपुलेशन को 2022 तक डबल करेंगे। अच्छा, अब सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया में है, वहाँ पे क्या हुआ था? देखिए, वहाँ पर हुआ था 2010 का टाइगर समिट। इसमें बहुत सी कंट्रीज आई थी जहाँ पे टाइगर है, US आया था, उसके अलावा चाइना के भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि हम टाइगर की आबादी को बढ़ाएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, और इन्होंने वादा किया कि 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन हमारी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में डबल होगी। इंडिया ने ये टारगेट वक्त से पहले ही पूरा कर लिया, 2019 में ही अपनी टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर दी। और आज के टाइम में इंडिया के पास जो टोटल टाइगर की आबादी है, इट इज़ 2,967। ये टाइगर सेंसस हमको नंबर बताता है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। 33% की ग्रोथ है ओवरऑल, और इस ग्रोथ को अप्रिशिएट आप तब कर पाओगे अगर आप 2006 के नंबर्स देखोगे। 2006 में टाइगर की आबादी बहुत हद तक कम हो रही थी, उस वक्त टाइगर के जो नंबर्स इंडिया में सिर्फ 1400 के आसपास रह गए थे। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे NGOs, गवर्नमेंट एजेंसीज कंसर्न थी कि टाइगर जो हमारे देश का नेशनल एनिमल है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में ना आ जाए। तो उसके बाद बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइगर की पॉपुलेशन 2010 में 1700 हुई, और 2014 में 2226 के आसपास पहुंची। फिर उसके बाद आज के टाइम में हम 3000 टाइगर की पॉपुलेशन के आसपास खड़े हैं, विच इज़ एक कमेंडेबल फीट। और अगर हम स्टेट वाइज देखें तो आज के टाइम में जो स्टेट इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन को लीड कर रही है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं इंडिया में अकॉर्डिंग टू टाइगर सेंसस। टोटल 526 टाइगर्स हैं मध्य प्रदेश में। सेकंड नंबर पे है कर्नाटका, 524 टाइगर्स। फिर तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड, 442 टाइगर्स। छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम में अनफॉर्चुनेटली इनकी आबादी थोड़ी सी कम हुई है, मगर और स्टेट्स हैं जहाँ पे आबादी काफ़ी हद तक न्यूट्रल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओडिशा की जो आबादी पहले थी टाइगर्स की, उतनी रही है, विच इज़ अ नाइस एफर्ट एज वेल। और ये जो सारा डेटा या टाइगर सेंसस हमारे सामने आया है 29 जुलाई को, जो है इंटरनेशनल टाइगर डे, या फिर इसको आप ग्लोबल टाइगर डे भी कह सकते हैं। और जो इंडिया की अकॉम्प्लिशमेंट है, इसको दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके सामने ट्वीट है बाय US एम्बेसी इन इंडिया, ये कह रहे हैं कुडोस टू इंडिया, मतलब कि बहुत ही बढ़िया काम किया इंडिया ने इंटरनेशनल टाइगर डे पर। द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ऑफ 2018 शोज इंडिया इज होम टू ओवर 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स।
दुनिया के 70% टाइगर इंडिया में है, और आगे कॉन्ग्रेचुलेट किया है। और यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़रा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊँगा जिससे आप यह सब और भी ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। आप अगर साउथ चाइना टाइगर को सर्च करेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन की वेबसाइट पर, आपको पता होगा WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन है, ये बेसिकली एनिमल कंजर्वेशन पे काम करते हैं। तो इनकी वेबसाइट पे साफ साफ बताया गया है कि साउथ चाइना टाइगर, जो ऑफ कोर्स चाइना में नेटिव है, हजारों सालों से चाइना में ये राज करते थे। एक टाइम पे इनका नंबर 1950s के आसपास 4000 हुआ करता था, आज के टाइम में इनकी आबादी ना के बराबर है, जीरो। इसको माना जाता है कि ये विलुप्त हो चुका है, हालांकि IUCN की लिस्ट में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहते हैं, मगर इसकी आबादी जब लास्ट टाइम गिनी गई थी 1996 में, तो उस वक्त ये सिर्फ 30 या फिर 80 के आसपास बचे थे। उसके बाद रिपोर्ट्स आई कि जो अथॉरिटीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ चाइना में, उन्होंने इनकी केयर नहीं करी, और काफ़ी बार जो विलेजर्स होते हैं चाइना में, इनको मार के खा जाते हैं, और इनकी स्किन का भी ट्रेड होता है। पोचर्स ऑलमोस्ट वहाँ पे एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट काम करते हैं। तो आज के टाइम में चाइना का जो साउथ चाइना टाइगर है ये विलुप्त हो ही चुका है। ज़्यादातर आपको दिखेगा यहाँ पे भी, आप देखेंगे WWF में लिखा हुआ है, टुडे द साउथ चाइना टाइगर इज कंसिडर्ड बाय साइंटिस्ट टू बी फंक्शनली एक्सटेंट एज इट हैज़ नॉट बीन साइटेड इन वाइल्ड लाइफ फॉर मोर देन 25 साल। 25 साल से दिखा भी नहीं है ये। तो इससे आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि चाइना जैसी कंट्रीज जहाँ पे बुरी तरीके से फेल हुई है, इंडिया वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है। नाउ ये सब हमने अकम्प्लिश किया कैसे है, देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा सरकार और NGO दोनों का रोल है। ऑब्वियसली सरकार का यहाँ पे बहुत ही डोमिनेंट रोल है, मगर NGOs ने भी अपना काम किया है अवेयरनेस फैलाने में। अवेयरनेस फैलाना काफ़ी बार यही होता है कि सरकार पर प्रेशर डालना। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव शुरू किया गया था, सेव टाइगर कैंपेन। सेव टाइगर कैंपेन में वेरियस सेलिब्रिटीज़ इकट्ठा हुए, उन्होंने फंड्स इकट्ठे किए, सरकार पे प्रेशर डाला कि देखिए हमारा नेशनल एनिमल है, इसकी आबादी कम हो रही है, कुछ इंटरवेंशन करिए, इसको रोकिए। तो सरकार ने फिर ऑब्वियसली जब प्रेशर बना पब्लिक का, पीपल वर कंसर्न अबाउट द इशू, सरकार ने स्टेप लेने स्टार्ट किए। और मैं सबसे पहले कहूँगा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, इन्होंने विजिलेंस और कंजर्वेशन में काफ़ी एफर्ट डाला। उसके अलावा भारत सरकार ने जो टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, ये काफ़ी हद तक बढ़ा दिए। टाइगर रिजर्व्स इंडिया में 2006 में थे सिर्फ 28, इनका नंबर बढ़ा के डबल ही कर दिया, ऑलमोस्ट 50 कर दिया 2018 में। तो सिंस टाइगर रिजर्व्स बढ़ गए, तो इससे टाइगर की जो आबादी है उसमें भी इजाफा देखने को मिला। उसके अलावा देखो, द अदर इम्पॉर्टेंट रीज़न इज इंक्रीज्ड विजिलेंस कपल्ड विद वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइज्ड पोचिंग रैकेट्स। बहुत सी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने स्टेट लेवल पर जो पोचर होते हैं, पोचर बेसिकली ये इलीगली ये वाइल्ड लाइफ में हंटिंग करते हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ से जो रिसोर्सेज हैं वो चुरा लेते हैं, फिर उसको ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। तो जो पोचर्स का रैकेट है उनको बस किया। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत ही बड़ा ऑपरेशन कैरी आउट, जिसमें बहुत सारे पोचर्स को उन्होंने पकड़ा, और मैं कहूँगा बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स को कम्प्लीटली सिक्योर बना दिया। वहाँ पर टाइगर की हंटिंग ना के बराबर हो रही थी। तो ये प्राइमरली यहाँ पे रीज़न है। उसके अलावा देखो, टाइगर को आप अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट दो, उसको आप प्रोटेक्शन दो, तो टाइगर अपने आप अपनी आबादी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो हमारा काम ये था टू प्रोटेक्ट द टाइगर, बाकी काम टाइगर ने यहाँ पे कर लिया है, और आज के टाइम में वी आर ऑल प्राउड ऑफ दिस अकॉम्प्लिशमेंट। सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का, टाइगर नंबर्स इंक्रीजिंग इन इंडिया। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।